हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, कभी कभी छोटा सा प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, इसी तरह ये एक प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम नहीं है। तो तब भी ये बड़ा बड़ा टेक्नीशियन का पास भी प्रॉब्लम ये लगता है, क्योंकि एक कंपनी का टेक्नीशियन वो अलग से एक पीसीबी, मतलब मार्केट से एक न्यू पीसीबी लेके गया और वो पैनल के अंदर लगाया। लगाने के बाद वो देखा कि जो स्क्रीन था, डिस्प्ले का कलर, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जिस तरह आपको वीडियो के अंदर देखा था, आप देखिए इस तरह वो चेंज हो जाता है। इस तरह जब वो चेंज देखा कि ये नहीं रुकता है, कि प्रॉपर ब्लू कलर स्टे नहीं हो रहा है, तो वो सब वाला को बताया कि आप जो पीसीबी मुझे को दे दिया, तो ये पीसीबी फॉल्ट है, तो ये पीसीबी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सब वाला भी मुझे को फ़ोन किया और बताया कि इसी तरह प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो मैं फ़ोन से ही बताया कि ये प्रॉब्लम नहीं है, पीसीबी भी प्रॉब्लम नहीं है, पीसीबी ओके है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो चलिए प्रैक्टिकली आपको वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा। बट दोस्तों, आपको फर्स्ट टाइम बताया कि छोटा सा प्रॉब्लम कभी कभी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये बड़ा टेक्नीशियन का पास इस तरह ये प्रॉब्लम देखने के बाद वो बताया कि पीसीबी फॉल्ट है, और दोस्तों ये पीसीबी फॉल्ट नहीं है। चलिए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, न्यू टेक्नीशियन को अलग से नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रॉब्लम को आप अच्छा करके देखिए। मैं टीवी पर सप्लाई दे दिया, देने के बाद इसका जो डिस्प्ले का कलर, ये ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है, और स्क्रीन पर जो लिखा है नो सिग्नल, और उसका ऊपर जो लिखा है बार्नेल, तो इसी तरह लिखा शो हो रहा है। और स्क्रीन देखिए रेड, ग्रीन, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप ब्लू, ठीक है, और उसका बाद देखिए ब्लैक, और उसका बाद वाइट, इसी तरह कंटिन्यू चेंज होने लगता है। अब स्क्रीन को अच्छा करके ध्यान दीजिए, तो इसी तरह ये फॉल्ट है, बट दोस्तों ये फॉल्ट नहीं है। तो ये सिंपल तरीका से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बट दोस्तों, मैं ऑडियो वीडियो कनेक्शन मैं करके रखा हूँ, बट सेट टॉप बॉक्स का सप्लाई में ऑफ करके रखा है। तो सेट टॉप बॉक्स सप्लाई देने के बाद तो ये जो ऑटोमेटिक कलर चेंज होने लगता है, तो ये चेंज नहीं होगा। चलिए मैं आपको सेट टॉप बॉक्स सप्लाई देके दिखाता हूँ। मैं सेट टॉप बॉक्स सप्लाई दे दिया और देखिए ये अभी चेंज नहीं हो रहा है। इसका पिक्चर देखिए आ जाएगा, और कुछ भी इसका कलर प्रॉब्लम नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए मैं सिग्नल को ऑफ कर देता हूँ। देखिए ऑडियो वीडियो सिग्नल को ऑफ किया, और ये ब्लैक, और उसका बाद ये देखिए वाइट, और उसका बाद रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरह चेंज होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप ये वीडियो फुल लास्ट तक वॉच कीजिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों, एक्चुअली ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो पीसीबी है, इसका जो टीवी का अंदर जो पीसीबी, इसका सर्विस मोड ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबको पता है कि अलग अलग टीवी कंपनी का जो सर्विस मोड अलग होता है, जो सर्विस कोड वो अलग होता है। बट दोस्तों, ये टीवी का अंदर मार्केट का कॉम्बो बोर्ड है, ठीक है। तो ये कॉम्बो बोर्ड का सर्विस मोड क्या है, ये आपके वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली ओपन करके दिखाता हूँ। तो मेरा पास एक रिमोट है, रिमोट तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये टीवी का जो सर्विस मोड नंबर मेनू 1147, ठीक है। तो अलग अलग कुछ टीवी का सर्विस मोड ओपन करने का जो कोड नंबर, ये भी आपको ये वीडियो के अंदर बताऊँगा। फर्स्ट आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो कॉम्बो बोर्ड, इसका जो कॉम्बो बोर्ड का नंबर है, ये सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। सर्विस मोड ओपन करने के बाद इसका सर्विस कोड क्या है, मेनू 1147। चलिए मैं रिमोट लेके आपको दबा कर दिखाता हूँ। देखिए मेनू 1147, देखिए इसका सर्विस मोड मैं ओपन किया। तो दोस्तों, ये जो सर्विस मोड ओपन करने के बाद इधर जो ऑप्शन आप अच्छा करके फॉलो कीजिए, कि ऊपर देखिए
रीसेट डिफॉल्ट लिखा है, और इसका नीचे देखिए बार्निंग लिखा है, उसका नीचे एडीसी एडजस्ट लिखा है, ठीक है। तो ये पोजीशन का आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक्चुअली इसका जो प्रॉब्लम है, ये बार्निंग जो ऑन है इसको ऑफ करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली ये टेस्टिंग करने के लिए ऑप्शन है, तो चलिए ये नीचे दबाना पड़ेगा रिमोट का, बार्निंग को सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो ऑफ करने का पहले ये इसके अंदर जो पीसीबी है, पीसीबी का मॉडल नंबर आप देख सकते, देखिए VSTP53L52। तो दोस्तों पीसीबी के ऊपर जो लिखा देखा जाता है U52.2, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हो जो इसका पीसीबी का मॉडल नंबर है, ठीक है। तो ये सर्विस बूट ओपन करने का एक तरीका आपको दिखाया जो मेनू 1147 का। तो चलिए ये ऑप्शन को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ रिमोट लेके। देखिए मैं ऑफ किया, ऑफ करने के बाद आप देख सकते हो ये स्क्रीन पूरा ब्लू हो, ब्लू कलर आ गया और ये कलर चेंज नहीं हो रहा है। अब अच्छा करके फॉलो कर सकते हो। और सर्विस मोड से बाहर आने के लिए आपको एग्जिट बॉटम और मेनू बॉटम कुछ पुश करना पड़ेगा। कुछ भी एक बॉटम पुश करने के बाद देखिए दोस्तों ये आ जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया। बट दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि इसका अंदर जो पीसीबी है, इसका सर्विस मोड ओपन करने के लिए आपको और एक नंबर बताता हूँ कि देखिए इनपुट 2580, ठीक है। देखिए इनपुट 2580। तो दोस्तों ये कोड दबाने के बाद भी इसका सर्विस मोड ओपन हो जाता है। अब अच्छा करके देख सकते हो। और बार्निंग जो मोड है ये ऑफ कंडीशन पर अभी है, ठीक है। तो इसका दोनों कोड आपको बताया है ये पीसीबी का सर्विस मोड ओपन करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों ये पीसीबी का जो रेजुलेशन कोड है, तो इनपुट 31181 इस तरह इसका कोड है, इसका रेजुलेशन ओपन करने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग कुछ कोड है, 31182, 31187, इस तरह अलग अलग कोड इसके अंदर है अलग अलग रेजुलेशन सेट करने के लिए, ठीक है। तो और क्या बताऊंगा, तो ये जो कोड नंबर आपको बताया, आपको और थोड़ा बताना चाहता हूँ कि सैमसंग सोनी टीवी का अंदर जिसका मॉडल नंबर CV2CV628B42, ठीक है। और जो मॉडल नंबर CV338B42 और जो अलग सा और एक मॉडल नंबर CV338A50, तो ये जो तीनों मॉडल नंबर का टीवी है, तो उसका जो कोड होता है सर्विस मोड ओपन करने का, सोर्स 2580 उसका सर्विस कोड है। और कुछ जो कोड नंबर आपको बताना चाहता हूँ कि 2583 फर्स्ट आपको सोर्स और इनपुट बटन पुश करना पड़ेगा, सोर्स 2583 और 2587, ठीक है। और मार्केट का बहुत जो चाइना पीसीबी है उसका जो कोड नंबर होता है 1147 1183 इस तरह। और कुछ पीसीबी का कोड नंबर जो है इनपुट 815, ठीक है। तो बहुत सारा कोड नंबर है, आपको सही कोड नंबर इनपुट करना पड़ेगा। इनपुट करने के बाद जिस तरह आपको दिखा है वो काटने के बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सर्विस मोड में आउट काट देता हूँ। काटने के बाद एक बार वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं वीडियो सिग्नल दे दिया और देखिए वीडियो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।